गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारा चल रहा है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। और लास्ट वीडियो में हम मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन किस प्रकार होता है उसकी पूरी प्रक्रिया पढ़ चुके हैं, जिसमें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, उसमें निषेचन कैसे होगा, भ्रूण की वृद्धि किस प्रकार होती है, शिशु का निर्माण कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं ऋतु स्त्राव क्या होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, गर्भ निरोधन के कौन कौन से उपाय हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम ऋतु स्त्राव से। देखो, मादा जनन तंत्र जब मैंने पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि अंडाशय से अंडाणु बनता है, हर मंथ हर महीने अंडाशय से एक अंडाणु बनता है। जब लड़की का जन्म होता है, मतलब जब लड़की छोटी सी होती है, जब वो पैदा होती है, उसके अंडाशय में तब भी अंडाणु होते हैं लेकिन वो परिपक्व नहीं होते। उसमें बहुत सारे अंडाणु होंगे लेकिन परिपक्व नहीं होते। जैसे जैसे वो बढ़ती है, उसमें जो अंडाणुओं की संख्या है, हम उसको अंडाणु तो नहीं कहेंगे लेकिन वो कोशिकाएं होती हैं जिनसे अंडाणुओं का निर्माण होता है। धीरे 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 उनकी संख्या घटती जाती है और जब वो मैच्योरिटी पे पहुंचती है, मतलब जब उसके अंदर टीनेज अवस्था आती है, तो उसका अंडाशय के अंदर अंडाणु परिपक्व हो जाता है और वो अंडाशय को तोड़ के बाहर निकल जाता है। ये उसका अंडाशय है, इसको तोड़ के ये अंडाणु बाहर निकल जाएगा और आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। ये मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से वो इसमें जाता है, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में फिर इधर से शुक्राणु आता है और अंडवाहिनी में निषेचन हो जाता है। जब निषेचन हो जाता है, जैसे ही यहाँ अंडाणु निकलता है, तो साथ में ये जो गर्भाशय होता है, ये अपनी दीवार को मोटा कर लेगा। मोटा किससे कर लेगा? इसमें नए नए ऊतकों का और रक्त वाहिनियों का निर्माण हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि इसको पता है कि अभी अंडाणु निकला है तो निषेचन हो जाएगा, हो सकता है भ्रूण बन जाए, तो इसने उसको पोषण प्रदान करना है, इसलिए ये अपनी दीवारों को मोटा कर लेगा। देखो, ये इतनी दीवार है, ये जो एक्स्ट्रा मोटाई इसकी है, ये जितनी भी है, ये इसने उसको पोषण प्रदान करने के लिए बनाई है। अब देखो, शुक्राणु जब आता है, निषेचन हो जाता है, लेकिन जब ये काम तो अंडाणु का निकलना, मतलब अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन और ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है एक लड़की में 10 या 11 साल की अवस्था में ही। क्यों? क्योंकि 10 या 11 साल की अवस्था में उसमें मादा जनन हार्मोन बन जाता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन ही इस अंडाणु को अंडाशय से निकलवाता है। तो इसका निकलना, अंडाशय से अंडाणु का निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन तो शुरू हो जाती है 10 या 11 साल की उम्र में, लेकिन 10 या 11 साल की उम्र में उसको शुक्राणु तो नहीं मिलते ना, तो जो अंडाणु बना है, इस अंडाणु का क्या होगा? अगर शुक्राणु आ गया तो निषेचन होगा, ये तो पता ही है, वो जाके गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाता है और वृद्धि करता 9 महीने तक। लेकिन अगर शुक्राणु नहीं आता तब क्या होता है? तो ये जो अंडाणु निकला है, इन अंडाणु की आयु, मतलब ये केवल 24 घंटे या एक दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद ये मर जाएगा। तो जब ये यहां से निकलता है, गर्भाशय के पास तो मैसेज है ऑलरेडी, वो तो अपनी दीवार को मोटा करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि शुक्राणु नहीं आया, बस वो तो ये समझता है कि अंडाशय से अंडाणु निकल चुका है और हो सकता है भ्रूण बन जाए, तो वो अपनी दीवार को मोटा कर लेगा, वो अपना काम करता ही करता है। लेकिन यहाँ पे अगर निषेचन नहीं होता, तो ये जो अंडाणु है जिसका निषेचन नहीं हुआ, तो ये आगे बढ़ेगा और गर्भाशय के पास पहुंचेगा। तो गर्भाशय को मैसेज मिल जाएगा कि निषेचन नहीं हुआ, तो निषेचन नहीं हुआ तो इस मोटी दीवारों का कोई मतलब नहीं है। अब ये जो मोटी दीवारें हैं, जो उत्तक हैं और इसके अंदर रक्त वाहिनियां हैं, ये टूट टूट के निकलना शुरू कर देती हैं और रक्त के रूप में बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं ऋतुस्त्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल, या साधारण भाषा में बोल देते हैं मेंसेज। ठीक है भाई? और ये काम शुरू कब होता है? 10 या 11 साल की। अलग अलग
एज में होता है, मतलब वो फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है लड़की की। किसी में 10 साल की उम्र में भी शुरू हो जाता है, किसी में 9 साल में भी शुरू हो जाता है, किसी में 11 12 साल की उम्र में भी शुरू होता है। तो वो जो ब्लीडिंग चलती है वो चलती है 2 से लेकर 5 दिन तक, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हर 28 दिन, इसका पूरा पीरियड 28 दिन का होता है, और 28 दिन में ये उत्तक बनते हैं, फिर टूटते हैं, निकलते हैं, फिर बनते हैं, फिर निकलते हैं। जैसे ये टूटे, मतलब ब्लीडिंग होती रही कब, 1 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग हुई। अब अगले अब क्या करेगा, 5 दिन तक तो मतलब टूट टूट के निकलते रहे, उसके बाद जब पूरे निकल जाएंगे, रक्त बंद हो जाएगा, तो ये दोबारा बनना शुरू करेंगे, ये मोटाई धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेगी और इधर से अंडाशय अंडाणु का निर्माण शुरू कर देगा। तो अगले 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिन तक ये अपने अंडाणु को पूरा बड़ा कर लेगा अंडाशय, और ये अपनी दीवार को मोटा कर लेगा। और 14वें दिन जो ये इसका अंडाणु था जो बनकर तैयार है, ये अंडाशय से निकल जाएगा, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हो जाएगी, ये अंडवाहिनी में आएगा। अब ये 1-2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन तक अंडवाहिनी से होता हुआ उसमें पहुंचेगा, आगे बढ़ेगा। ये मैंने क्या बनाया है, देखो यहाँ जो ये यहाँ से तो उसके उत्तक पूरे टूट गए हैं, बिल्कुल उत्तक है नहीं। अब आगे यहाँ बनना शुरू करेंगे, देखो ये बन गए, ये बने हैं, ये बने, यहाँ तक मैक्सिमम बन गए, 14वें दिन तक ये पूरे बने हैं। अब आगे वो रहेंगे, अगले 14 दिन तक रहेंगे, जब तक ये वहां पहुंचेगा, इसको मैसेज मिलेगा, तब तक टाइम हो जाएगा 14 दिन तक। उसके बाद ये टूटना शुरू करेंगे अगले 5 दिन तक, मतलब वही काम शुरू हो जाएगा दोबारा से, 1 से 5 तक, मैंने वही लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन तक ये फिर टूटते रहेंगे। उसके बाद फिर क्या शुरू होगा, उससे आगे फिर वही काम शुरू हो जाएगा 6वें दिन, 6, 7, 8 इस प्रकार दोबारा से इनका बनना शुरू हो जाएगा, किसका, उत्तकों का। यह क्या है, 6, 7, 8 ये उत्तक फिर से बनना शुरू हो जाएंगे और 14वें दिन तक पूरे बन जाएंगे। उसके बाद 28 दिन तक रहेंगे, 28 के बाद 1, 2, 3 फिर टूटेंगे और 3-4 दिन तक चलते रहेंगे। इस प्रकार ये 28 दिन का एक साइकिल होता है जिसमें ये उत्तक बनते हैं। 14वें दिन ओव्यूलेशन होती है, ठीक है, यहाँ से टूटना शुरू करेंगे, 2 से 5 दिन तक रहते हैं, किसी में 2 दिन में बंद हो जाते हैं, किसी में 3 दिन में, मैक्सिमम 5 दिन में बंद हो जाते हैं। उसके बाद दोबारा से बनना शुरू होते हैं। 14वें दिन तक अंडाशय पूरी तरह से अंडाणु को बना देगा, फिर वो बाहर निकलेगा, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। 14वें दिन में ओव्यूलेशन होती है, और जब ओव्यूलेशन होता है तब वो स्पर्म को रिसीव कर सकती है, मतलब मेल को तो वो कभी भी रिसीव कर सकती है, लेकिन इसके अंदर प्रेगनेंसी कब आ सकती है, वो आ सकती है इस 14वें दिन में जब ओव्यूलेशन होता है। इस ओव्यूलेशन के समय पे अगर ये कोपुलेशन करती है किसी मेल के साथ, तो स्पर्म आ जाएंगे और इसके साथ निषेचन हो जाएगा। ये 1 या 1.5 दिन तक जीवित रहता है, अगर उस 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में इसको स्पर्म मिल जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा, नहीं तो इसकी हो जाएगी डेथ। उसके बाद स्पर्म बेशक आ जाए तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो ये होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब अगर अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो ये उत्तक और अंडाणु सब टूट के बाहर निकल जाते हैं, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, ठीक है भाई, या ऋतु स्त्राव कहेंगे। जब सबसे पहला ऋतु स्त्राव शुरू होता है 10 या 11 साल की उम्र में, उसको बोला जाता है रजोदर्शन। रजोदर्शन मतलब सबसे पहले जो मेंसेस शुरू होंगे उसको बोला जाता है रजोदर्शन। और ऐसा नहीं है कि फीमेल में अंडाणु लाइफ टाइम बनते ही रहते हैं। अब जो मेल होता है उसमें तो शुक्राणु लाइफ टाइम बनते रहेंगे, जब तक उसकी डेथ नहीं होते उसमें शुक्राणु बनते रहते हैं, ये है कि थोड़े बहुत कमी आ जाती है लेकिन बनते रहेंगे। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में एक निश्चित एज है, मतलब 45 से 50 साल की उम्र में, 45 से 50 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उसमें ये ओव्यूलेशन बंद हो जाती है, मतलब अंडाशय से अंडाणु बनना बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा तो ये काम भी बंद हो जाएगा, मतलब गर्भाशय अपनी दीवारों को मोटा करना भी बंद कर देगा, और ये बंद हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाएगी, क्योंकि फिर टूट के निकलेगा क्या, कुछ बना ही नहीं। तो 45 से 50 साल की एज में एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है और उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति।
ठीक है भाई। रजोनिवृत्ति, मेनोपोज जिसको बोला जाता है, और स्टार्टिंग को बोला जाता है मेनार्क, मेनार्क। रजोदर्शन को इंग्लिश में बोलते हैं मेनार्क, और इसको बोलते हैं मेनोपोज। पोज होगा भाई, स्टॉप हो गया, मेनोपोज। बात समझ आएगी। अब ये होगा भाई क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब हम पढ़ते हैं क्या कि गर्भ निरोधन के कौन कौन से तरीके हैं। देखो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है, 137 करोड़ लगभग पॉपुलेशन हो चुकी है इंडिया की। स्टार्ट वैसे तो बहुत हद तक पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुकी है, लोग अवेयर हो चुके हैं। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस हो रही है, वो खुद भी पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर हैं, जो गांव के ज़्यादातर जो पिछड़े इलाके हैं उनमें अभी अवेयरनेस नहीं पहुँची है, तो उनकी वजह से, कुछ लोगों की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज पे बहुत दबाव पड़ता है उनके लिए, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, एजुकेशन, सब कुछ, खाना, सब कुछ देने के लिए तो रिसोर्सेज, संसाधनों पे दबाव पड़ता ही है। इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। तो हम वही पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड कौन से हैं या गर्भ निरोधन के मेथड कौन से हैं। तो गर्भ निरोधन के कौन कौन से मेथड हैं वो हम पढ़ेंगे। तो गर्भ निरोधन के मुख्य तीन मेथड है भाई। एक होती है भौतिक विधि, भौतिक विधि, इसको बैरियर मेथड भी बोला जाता है, बैरियर, रोकथाम विधि कह सकते हो, रोकथाम विधि, इंग्लिश में क्या कहेंगे, बैरियर मेथड, भौतिक विधि। एक होता है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि। एक होता है सर्जिकल मेथड, मतलब शल्य चिकित्सा कह सकते हो तुम, शल्य चिकित्सा हिंदी में, या सीधा सा कहें तो ऑपरेशन जिसको बोला जाता है, ऑपरेशन से, या सर्जरी कह सकते हैं, सर्जरी द्वारा, ठीक है भाई। तो ये तीन तरीके हम अपनाते हैं किसमें, गर्भ निरोधन में। भौतिक विधि मतलब रोकथाम विधि, या बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या है, देखो निषेचन या मतलब बच्चा पैदा कब होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में निषेचन हो जाए। अब देखो जो ये क्रिया चल रही है बच्चे पैदा करने की, अगर हम इनको कहीं से भी रोक दे, किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, तो बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा। मतलब या तो हम स्पर्म को अंडाणु के पास जाने से ही रोक दे, या अगर स्पर्म शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंच गया है, भ्रूण बन भी गया है, और उसने आके चिपकना है गर्भाशय की दीवार पे, उसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन। मतलब जब ये भ्रूण इसकी दीवार पे आके चिपकता है तो इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है भाई। तो कोई मेथड ऐसा हो जो इस इम्प्लांटेशन को ना होने दे, ठीक है, मतलब इस भ्रूण को यहाँ चिपकने ना दे, तो तब भी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरा देखो, पहले मैंने बताया ये स्पर्म इधर से जाएंगे, पहला काम स्पर्म को ही रोका जाए, ठीक है, ये तरीका हो सकता है। दूसरा, स्पर्म अगर पहुंच भी जाए तो कोई ऐसी चीज जो फर्टिलाइजेशन ना होने दे, इनको आपस में मिलने ही ना दे, ये एक तरीका हो सकता है। तीसरा, अगर फर्टिलाइजेशन भी हो जाए और भ्रूण बन जाए तो भ्रूण उसकी दीवार पे ना चिपके, ऐसा कोई काम हम कर दे। तो ये दो तीन तरीके हैं जिनके द्वारा हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इन सब में वही काम करने हैं हमने। तो रोकथाम विधि में क्या करते हैं, इसमें बैरियर मेथड अपनाएंगे। इसमें क्या अपनाया जाता है, इसमें कॉन्डोम्स अपनाए जाते हैं भाई, कॉन्डोम्स। इसमें मेल कॉन्डोम भी होता है और फीमेल कॉन्डोम भी होता है। फीमेल कॉन्डोम को डायफ्राम भी बोला जाता है। देखो मेल कॉन्डोम क्या होगा, मेल एक रबड़ से होती है, क्या करता है उसको मेल अपने पेनिस के ऊपर, इसके ऊपर कवर कर लेगा, ऐसे चढ़ा लेगा। तो क्या होगा, जब इसमें से इजैकुलेशन होगी, मतलब इसमें से स्पर्म निकलेंगे, तो वो शुक्राणु इसके अंदर इस कॉन्डोम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो वो आगे क्या बनेंगे, तो इस निकलेंगे नहीं। तो ये जो कॉन्डोम है ये बैरियर का काम कर रहा है, मतलब बीच में रुकावट का काम कर रहा है, तो शुक्राणु आगे पहुंच नहीं पाएंगे, प्रेगनेंसी रुक जाएगी। फीमेल कॉन्डोम क्या होता है, फीमेल कॉन्डोम में एक डायफ्राम होती है, मतलब वो इस शेप का होता है, ऐसे, इस तरह से। क्या करेगी फीमेल इसको उठा के ऐसे इसके अंदर फिट कर लेगी, किसके अंदर, वजाइना के अंदर, या खाली एक
एक ऐसी वॉल सी होती है, इस वॉल को यहाँ फिट कर दिया जाता है इसके ऊपर, सर्विक्स के ऊपर, जिससे क्या होगा स्पर्म तो इसमें छोड़ दिए जाएंगे लेकिन स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सब को बोला जाता है बैरियर मेथड। ये फीमेल कंडोम है, ये मेल कंडोम है, ठीक है। ये तो होगा भी भौतिक विधि या बैरियर मेथड। अब रासायनिक विधि में क्या होता है, रासायनिक विधि में रसायनों द्वारा हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो इसमें पिल्स का प्रयोग किया जाएगा, गोलियों का प्रयोग किया, टैबलेट्स का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें एक ओरल पिल होती है भाई, ओरल पिल्स जो मुंह मुंह से खाई जाएंगी, खाने वाली पिल्स हैं ओरल पिल्स। एक होती है वेजाइनल पिल्स, वेजाइनल पिल्स, और एक होता है भाई IUCD, मतलब इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, मतलब कॉपर टी कह सकते हो, कॉपर टी होती है एक। ये सारे रासायनिक विधि में आती है। ओरल विधि ओरल पिल्स जो खाने वाली है, नाम भी सुना होगा कई बार माला डी या अनवांटेड 72, ऐसी कुछ टैबलेट आती है जिनको अगर खा लिया जाए वो क्या करेंगे अंदर जाके, वो हार्मोनल इम्बैलेंस कर देंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस सारा काम हार्मोन कर रहा है, कौन सा हार्मोन, जो फीमेल लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है जो एस्ट्रोजन, तो ये जाएगी अंदर और उसके अंदर इम्बैलेंस कर देगी। हो सकता है वो ना निकले या फिर ज़्यादा निकल जाए, तो उससे क्या होगा फर्टिलाइजेशन रुक सकता है, या ये गर्भाशय की दीवार है जो ये शायद ना बने या इम्प्लांटेशन ना हो। मतलब जैसे ही हार्मोन में इम्बैलेंस होगा इनमें से कुछ भी काम हो सकता है, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन नहीं होगा। उसके बाद वेजाइनल पिल जो होती है, वेजाइनल पिल क्या होती है, एक ऐसी टैबलेट होती है जिसको वेजाइना के अंदर रख दिया जाता है, यहाँ से डाल के यहाँ रख देंगे उसको, उसमें से कुछ रसायन निकलेगा और वो रसायन क्या करेगा, जैसे स्पर्म आएंगे वो रसायन सारे स्पर्म्स को मार देगा, और अगर कोई बच भी गया तो ये रसायन इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, मतलब भ्रूण को इसके चिपकने नहीं देगा। उसके बाद आते हैं IUCD, कॉपर टी। कॉपर टी क्या होती है भाई, एक टी के आकार का, ये ऐसे टी आकार का, ये तांबे का एक तार है टी के आकार का, इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ फीमेल की वजाइना के अंदर ऐसे यहाँ फिट कर देंगे, इसका एक सिरा अंदर रहेगा और ये इसके ऊपर ऐसे फिट रहेगा। ये क्या करेगा, इसमें से कॉपर आयन निकलते रहेंगे। ये कॉपर आयन क्या करेंगे, जब भ्रूण बन के आएगा तो ये कॉपर आयन इस भ्रूण को इसकी दीवार पे चिपकने नहीं देगा, अगर ये नहीं चिपकेगा तो प्रेगनेंसी रुक जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ये होता है रासायनिक विधि में। अगर हम शल्य चिकित्सा में देखें, मतलब ऑपरेशन जो करते हैं, ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन में सर्जिकल मेथड है, इसमें क्या करते हैं, देखो ये जो वृषण है इसमें शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु ये लेके जाएगी शुक्रवाहिनी, तो हम क्या करेंगे, इस शुक्रवाहिनी को यहाँ से काट देंगे, इसका बीच का हिस्सा ये काट दिया और इसको मोड़ के इसको और इसके ऊपर टाई कर देंगे, धागा बांध देंगे, यहाँ भी इस पे धागा बांध देंगे, ठीक है। दोनों साइड में करना पड़ेगा, इस साइड भी ऐसे ही काट के और धागा बांध दिया, इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। ये किसमें होता है, मेल में, ये फीमेल में भी हो सकता है। फीमेल में क्या करते हैं, फीमेल में हम इस अंडवाहिनी को काट देंगे और इस पे धागा बांध देंगे, गांठ मार देंगे, इधर भी इसको भी काट देंगे, इधर भी मार देंगे। इससे क्या होएगा, अब जो अंडाणु निकलेगा वो आगे नहीं पहुंच पाएगा, तो उसका निषेचन भी नहीं हो सकेगा और प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो ये हो गए भाई प्रेगनेंसी को रोकने के अलग अलग मेथड, ठीक है, गर्भ निरोधन के मेथड। ये पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब बात आती है फीमेल फिटिसाइड, मतलब आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बेटे को ही चाहते हैं, बेटियों को नहीं चाहते। तो अभी पीछे से ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा था हरियाणा में, तो बहुत सेक्स रेशो बहुत कम चला गया था, मतलब 1000 लड़कों के पीछे लड़कियां बहुत कम हो गई थी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो माता पिता होते हैं पहले ही वो गर्भ में जो बच्चा होता है उसका लिंग का पता करवा लेते हैं अल्ट्रासाउंड विधि से, या एक एमनियोसेंटेसिस विधि होती है। मतलब एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जैसे यहाँ भ्रूण बनेगा तो इस भ्रूण से सिरिंज से थोड़ा सा द्रव निकाल लेंगे और उस द्रव से पता कर लेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है। तो अगर फीमेल होती है तो लोग अबॉर्शन करवा देंगे, मतलब वो जो फीमेल गर्ल है वो उसको किल कर देंगे, एक तरीके से उसको मार दिया उन्होंने। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चला पीछे, अब थोड़ा सा इसमें सुधार है, हालांकि ऐसा नहीं है कि अब नहीं कर रहे लोग, अभी भी कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सुधार है इसमें। तो पहले बहुत किया लोगों ने, जो
बेबी गर्ल होती है, मतलब लड़कियां जो होती है वो उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था, फीमेल फ्यूटिसाइड। और ये कानूनी अपराध है, इसको अपराध घोषित किया गया है। अगर ऐसा कोई करता हुआ डॉक्टर मिलेगा तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अगर माँ बाप ने करवा लिया तो उनको जेल होगी। आजकल तो लड़के किसी चीज़ में पीछे नहीं है, लड़कों के बराबर है, बल्कि लड़कों से बहुत आगे हैं। अभी UPSC का रिजल्ट आया है जिसमें IAS जो लगे हैं उसमें कितनी सारी लड़कियाँ भी हैं। एक लड़की का अभी नाम मैं देख रहा था, एक लड़की जिसने जो मिस इंडिया के फाइनलिस्ट चुनी गई थी और उसने भी UPSC क्लियर किया है, तो ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब कमाल कर दिया ये तो। उसने वो करियर छोड़ के और एक IAS बनी, वो तो कमाल की लड़की होगी। देखो ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो फाइटर प्लेन उड़ा रही है, पायलट का काम कर रही है, मतलब हर फील्ड में लड़कियां हैं। तो आजकल लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं ही हैं, तो हम उनको कम नहीं मान सकते, ठीक है, बल्कि लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी हैं। मैं तो ये कहता हूँ आज के टाइम में लड़कियाँ ज़्यादा बेटर हैं लड़कों से, क्योंकि माँ बाप के लिए लड़कियाँ ज़्यादा केयर करती हैं, वे अपने पेरेंट्स की ज़्यादा केयर कर सकती हैं लड़कों की बजाय। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं करते, लेकिन लड़के थोड़े इस चीज़ में थोड़े से पीछे हैं, क्योंकि मैं एक लड़का हूँ तो मैं उनकी साइकोलॉजी समझता हूँ। तो लड़कियाँ बेटर होती हैं, उनमें थोड़ा बहुत, लड़कियों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है जब वो लड़की से वाइफ में बदलती है, मतलब आगे जाती है तो थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, वरना लड़कियां माँ बाप के लिए अच्छी होती हैं, लड़कों से तो बेटर है। अब आगे पढ़ते हैं भाई STDs, मतलब STD क्या होता है। STD अब ये मत समझना STD वो फोन करने वाली जहाँ से फोन करते हो वो वाली बात नहीं है। ये STD होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब ऐसी बीमारियां जो लैंगिक क्रिया द्वारा एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैल जाती है उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे अगर एक आदमी के अंदर कोई बीमारी है तो अगर वो किसी दूसरे पर्सन के साथ सेक्स करता है तो उस आदमी में भी या उस औरत में भी वो बीमारी लग जाएगी। तो उनके फैलने का तरीका है सेक्स, तो इसलिए उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली, बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं द्वारा होने वाली कुछ बीमारियां हैं, जैसे एक होता है सिफिलिस और एक होता है गोनोरिया और सिफिलिस। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको बैक्टीरिया फैलाता है, इनको फैलाएगा तो बैक्टीरिया, लेकिन अगर ये एक व्यक्ति में अगर है और वो व्यक्ति किसी दूसरे के साथ संबंध बनाए तो उस व्यक्ति में भी ये बीमारी आ जाती है। अगर ये बीमारी आ जाएंगी तो क्या होता है, जैसे स्पर्म निकलेंगे तो साथ में यूरिनेशन मतलब जब वो बाथरूम जाएगा तो उसमें बहुत जलन होगी, या साथ में पस निकल के आएगी, पस का मतलब मवाद आएगा साथ में यूरिन के साथ, तो इन बीमारियों में ऐसा होता है। ये क्यूरेबल है, मतलब इनको ठीक किया जा सकता है। एक दूसरी बीमारी है जैसे एड्स है, AIDS एड्स, और एक होता है वार्ट्स का मतलब होता है मस्से हो जाते हैं, फफोले से हो जाएंगे हमारे सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ। और एक होता है एड्स की फुल फॉर्म होती है भाई एक्वायर्ड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये फुल फॉर्म है। ये ऐसी बीमारी है, एड्स का वायरस क्या करता है, एड्स के वायरस का नाम है HIV, एड्स को बीमारी का नाम है HIV वायरस है जो एड्स को फैलाता है। तो HIV वायरस क्या करता है, जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम जो मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ये अंदर जाके उसको ख़त्म कर देगा। तो फिर होगा क्या, फिर हमें छोटी से छोटी बीमारी भी अगर लग जाएगी तो वो ठीक ही नहीं होगी। एड्स का वायरस हमें नहीं मारता, ये जाके हमारे इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देगा, फिर दूसरी बीमारियाँ हमें मार देती है,
ऐसा हो जाएगा कि अगर बीमारी लग गई तो ठीक ही नहीं होगी। क्यों? इम्यून सिस्टम तो डैमेज हो चुका है, तो बुखार हो गया तो बुखार ठीक नहीं होएगा, कोई खांसी होगी तो खांसी ठीक नहीं होगी, तो आदमी बहुत बुरी मौत मरता है इसमें, तड़प तड़प के बिल्कुल पहले बहुत बुरी हालत होती है उसकी, ये समझ लो। लेकिन इसमें कोई क्यूरेबल नहीं है ये। एड्स अगर किसी को होती है तो 100% उसकी डेथ है, और वो स्लो डेथ होती है, बहुत भयानक मौत होती है वो। तो HIV उसका वायरस है, ह्यूमन अम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन अम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। वार्ट्स मैंने बता दिया, ये मस्से होते हैं जो सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ फैल जाते हैं। इनको फैलाने वाले ये दोनों तो होती हैं वायरस द्वारा, और ये दोनों होती हैं जीवाणुओं द्वारा। ये पेपर में आते हैं कि ऐसी सेक्सुअल STDs मतलब लैंगिक बीमारियों का नाम बताइए जो जीवाणुओं द्वारा होती है, तो ये दो ऊपर की है, और जो वायरस द्वारा होती है जो नीचे की है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वीडियोस को बार बार देखो देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ समझाने की और अपना बेस्ट देने की, फिर भी मुँह से अगर कोई ऐसी वैसी बात निकल गई है या फलो में कई बार गलती से कोई शब्द भी बोला जाता है तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन जो समझा रहा हूँ बस उस पे ध्यान दो। मतलब गलत अगर कुछ बोला गया तो गलत पे ध्यान ना देकर जो अच्छा हो रहा है उसकी तरफ ध्यान देना, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है भाई। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, या फिर इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो आप लोगों से करवा दूंगा, एक वीडियो उनके ऊपर बना दूंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।